तो फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद हम लोग काफ़ी लेट घर से निकले हैं, करीब करीब 6 बज गया है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि 6 बज गया, दिक्कत इस बात से है कि हमारे अंदर लाइट का है इशू। जो हेडलाइट है उसका जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं है, ग्लो बराबर नहीं है उसका, तो जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। देखते हैं, हाईवे का रास्ता है तो होपफुली ज़्यादा दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, बट देन लेट्स सी क्या होता है। चलो चलते हैं। शाम का टाइम है, शहर के अंदर ट्रैफिक भयंकर वाली रहती है। गुड दैट वी आर ऑन बाइक। फाइनली हम लोग आ गए हाईवे पे, दरभंगा शहर से बाहर निकल गए। अब ये हाईवे पकड़ के सीधा सीधा अपने को करीब करीब 63 किलोमीटर यहाँ से, 63 तो नहीं जाएंगे, 60 किलोमीटर पकड़ के चलिए, उतना डिस्टेंस हमें बिल्कुल स्ट्रेट कवर करना है। और फिर वहाँ से लेफ्ट मुजफ्फरपुर की तरफ, तो ऐसे जाएगा ये रास्ता। शाम होने को आ रही है, पटना से मुजफ्फरपुर वाला जो स्ट्रेच है ना वो इतना लंबा है, मतलब 63 किलोमीटर का स्ट्रेच है, परेशान कर देता है। सही में कंटिन्यू स्ट्रेट 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 चलते चले जाऊँ। हमारी हिमालयन की जो हेडलाइट है उसका तो खैर क्या कहने, मतलब जो क्या बोलते हैं ऊपर वाला जो थ्रो है वो आसमान को छूता है, जो ऊपर के जो होर्डिंग वगैरह वगैरह होते हैं ना उसको दिखाता है, और जो नीचे वाला जो थ्रो है उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब अधी है। इतनी बड़ी बाइक बना रखी है रॉयल एनफील्ड ने, बट पता नहीं ये हेडलैम्प अच्छा सा देने में इनको क्या तकलीफ थी। यही रीज़न है कि जिनके जिनके पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन है सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में अलग से लाइट इंस्टॉल करते हैं। तो फिलहाल इन लोगों की हालत खास्ता हो रखी है, थकान अच्छी वाली हो गई है, तो हम लोग बीच हाईवे पे कहीं पे तो रुक गए हैं। एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है, खूबसूरत सा पेट्रोल पम्प है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, रोड के साइड में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। रात तो हो ही चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा रुक के आराम से रेस्ट वेस्ट करके तब निकला जाएगा, पानी वानी पी रहे हैं बढ़िया, उसका निकलते हैं। मुजफ्फरपुर का टोल प्लाजा क्रॉस किया है, उसके बाद ये सुधा के मजे ले रहे हैं हम लोग, सुधा की लस्सी, सुधा का मिल्कशेक पीते हैं, फिर निकलते हैं। हाल खास्ता और रखी है, बहुत थकावट हो गई है। उम्मीद के मुताबिक महात्मा गांधी सेतु पे जाम ही जाम, काफ़ी देर से स्ट्रगल करते करते थोड़ा आगे आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मैंने सुना था कि शायद दोनों साइड का बन गया है, एवं लगता है अभी तक चालू नहीं किया, बन भी गया है तो चालू हो गया होता तो शायद जाम नहीं लगता, लेकिन जाम को देखते हुए ये लग रहा है कि दोनों साइड चालू नहीं किया गया। फाइनली हम लोग अपने कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। ओवरऑल इट वाज अ गुड राइड, बस थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई। थकान होने के पीछे रीज़न ये था कि कल पूरे दिन मैंने ड्राइव किया था, मतलब पूरे दिन इन द सेंस छोटा सा ही डिस्टेंस था, 150 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। कल नवादा गए थे हम लोग परसों, बट इतना ज़्यादा जाम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उसके चक्कर में सब गड़बड़ हो गया था। तो कल भी रात में पहुँचते पहुँचते करीब करीब कल कितना 1 बजा था ना पहुँचते पहुँचते से मामला होगा, तो कल रात में पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था। फिर फाइनली आज भी सुबह सुबह निकलना पड़ा, और अगेन ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक, तो इस चक्कर में थोड़ी थकान तो ज़्यादा हुई है, नो डाउट इन दैट, बट देन ओवरऑल मज़ा आया। और अच्छी बात ये रही कि बाइक जो है वो अच्छे से चली है, हालांकि हालांकि मिसफायर तो किया है बाइक ने आज भी, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये, एक बार फिर से आई थिंक इसको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जो मिसफायर है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब आज जब बाइक मेरी अचानक से बंद हुई
तो मेरी बाइक की स्पीड कम से कम 60-70 के लमसम में तो थी, और अच्छा खासा ट्रैफिक था वहाँ पे भी। मतलब सामने से ट्रक आ रहा था, मैं ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहा था, और ठीक उसी समय गाड़ी बंद हो जाती है। वो तो अच्छा था कि मतलब रोड कुछ ऐसा था कि बाइक बंद होने के बाद भी चूँकि क्लच दबा दिया तो बाइक कम से कम भाग रही थी, अदरवाइज़ वो डेंजरस हो सकता था। तो ये सब थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है कायदे से, इस चीज़ को एक बार फिर से लगता है दिखाना पड़ेगा। थोड़े दिन चला लेता हूँ, फिर देखता हूँ, यदि ये प्रॉब्लम बनी रहेगी तो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ठीक है। हाँ, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।